हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। तो जैसा कि कल आप लोगों ने देखा था कि आपकी मैथमेटिक्स की सीरीज़ स्टार्ट कर दी गई है, जो कि बेस्ड है NTPC और ग्रुप डी एग्जामिनेशन पे, ठीक है। और आज से आपकी स्टार्ट होने जा रही है रीजनिंग की भी सीरीज़। तो आपको डेली ही पर डे मैथमेटिक्स और रीजनिंग दोनों की सीरीज़ अब मिलने वाली है। आप लोग अच्छे से क्वेश्चन को करो, 30-30 क्वेश्चन दोनों में आते हैं, इसलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 100 क्वेश्चन में से आपका 60 क्वेश्चन जो है मैथमेटिक्स और रीजनिंग से ही कवर होता है, इसलिए आपको इस पोर्शन को अच्छे से करके जाना है, जिससे कि आपका 60 out of 60 पूरा स्कोर हो सके अच्छे से, ठीक है। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, अगर वीडियो पसंद आएगा तो इसको लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना सपोर्ट शो करिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। जो भी अभी तक चैनल पर नए हैं या फिर जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे, ओके। और वीडियो के PDF के लिए आप ऑनलाइन स्टडी पॉइंट का एंड्रॉइड ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हो, यहाँ पे आपको डेली वीडियो की PDF अवेलेबल करा दी जाएगी। और मैथ्स की जो हैंड रिटन नोट्स है, सारे ही गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो जल्दी से परचेज करिए, क्योंकि इसमें A to Z आपको कंप्लीट मैथमेटिक्स मिल रही है। नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा है, इसलिए इसको आप परचेज करो, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगी, ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे है, AIQBJRCKSDLT, ये आपको दिया है। इसके बाद क्या आएगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा है, यानी कि इसके बाद वाला आपको फिल करना है। तो हमें देख लेना है कि ये किस सीरीज़ में चल रहा है, ठीक है। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं पहले नंबर से। जैसे कि AIQ लिखा है यहाँ पे, और दूसरा क्या है, तो दूसरा है BJR, ओके। अब देखिए, जो फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाले में अगर आप 1 प्लस करोगे तो ये आ रहा है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। फर्स्ट वाले में आप 1 प्लस करोगे तो ये आ जाएगा। उसी के बाद सेकेंड, यहाँ पे क्या है, आई है, और यहाँ पे क्या है, जे है, तो इसमें भी आपको 1 प्लस कर देना है। थर्ड में क्या है, देखिए, तो थर्ड में भी क्यू है, यहाँ पे आर है, तो इसमें भी आपको 1 प्लस करना है। क्लियर हुआ? तो सारे ही चीज़ों में आपको 1 1 प्लस करते हुए जाना है, तो आपका नया नंबर आता जाएगा। जैसे कि देखिए, ए के बाद क्या आता है, तो ए के बाद बी आता है, फिर बी के बाद सी, सी के बाद डी, तो डी के बाद ई, यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे ई भरा जाएगा। देखिए, सारे ही ऑप्शन में आपको फर्स्ट में ई मिल रहा है, इसलिए सारे ऑप्शन को अभी आपको रखना है, कोई भी ऑप्शन आपको अभी डिस्कार्ड नहीं करना है। अब देखिए, उसके बाद आई के बाद क्या है, यहाँ पे जे है, जे के बाद के है, के के बाद एल है, एल के बाद क्या आएगा, एम आएगा, तो यहाँ पे आपने भर लिया, एम हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से थर्ड वाले में चलते हैं, क्यू है, क्यू के बाद आर है, आर के बाद एस है, एस के बाद टी है, फिर इसके बाद क्या आएगा, तो यू आएगा, तो यहाँ पे आपको यू भरना है। तो आप, क्लियर हो गया, आपका आंसर क्या होगा, EMU, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह की आपको सीरीज़ देखनी होती है, किसी में प्लस होगा, किसी में माइनस होगा, तो आपको वो देख करके लास्ट वाले में जो क्वेश्चन मार्क पूछेगा वो आपको फिल करना होता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड को देखिए, 2,5,11,23,47, उसके बाद क्वेश्चन मार्क है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा, ये हमें फिल करना है। तो इसके लिए आपको क्या करनी होगी, सीरीज चेक करनी होगी कि किस में नंबर बढ़ रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको अरेंज कर देना है। तो देखिए, 2 के बाद इसमें क्या है, 2 के बाद 5 है, यानी कि 2 में इसने कितना ऐड किया, तो 2 में 3 ऐड किया, तो 5 आ गया। 5 के बाद क्या है, तो 11 है, यानी कि 5 में ऐड करना पड़ेगा 6 को, तो आपका आएगा 11, ठीक है। उसके बाद देखिए, 11 के बाद क्या है, 23 है, यानी कि 11 में क्या ऐड किया, तो 23 आया, तो इसने ऐड किया 11 में 12 को, तभी तो 23 आएगा। तो देखिए क्या कर रहा है, ये सबका डबल कर रहा है, 3 का डबल हुआ 6, 6 का डबल हुआ 12। अब उसके बाद 23 में ऐसा क्या ऐड करेगी, 47 आ जाए, तो 23 में इसे ऐड करना पड़ेगा 12 का डबल, यानी कि 24 को, ठीक है। तो 24 को ऐड किया 23 में, तो ये आ गया 47। अब उसके बाद आपको 47 में ऐसा क्या ऐड करना है कि इसके बाद क्वेश्चन मार्क वाले स्थान पर आए, तो आपको क्या ऐड करना पड़ेगा बताइए, 23 के बाद 47 आने के लिए इसने 24 को ऐड किया है, तो आपको 24 का डबल जो है वो ऐड कर देना है 47 में, यानी कि कितना ऐड करना है, तो आपको ऐड करना पड़ेगा 48, ठीक है। 48 में आप 47 को ऐड करोगे, तो आपका आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 95, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 47 में आप 48 को ऐड कर दोगे, तो आपका क्या आ जाएगा, इसके बाद वाली जो सीरीज़ है क्वेश्चन मार्क पर, वो आ जाएगा 95, ओके। होप्स आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि जो नंबर इसमें ऐड होगा उसी का डबल करके फिर इसमें ऐड करना है, फिर उसी का डबल करके इसमें ऐड करते जाना है, और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखिए, जिस प्रकार रिदम का संबंध म्यूजिक से है, उसी प्रकार डिज़ाइन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो जिस प्रकार रिदम जो है वो म्यूजिक से संबंधित है, यानी कि म्यूजिक को गाने के लिए क्या होना चाहिए, रिदम की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से डिज़ाइन करने के लिए क्या पता होना चाहिए। तो डिज़ाइन आप लोग किसका करोगे, ठीक है, तो डिज़ाइन किसकी की जाती है, डिज़ाइन बिल्डिंग्स की जाती है, यानी कि आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर पे।
तो क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करने से पहले आपको एक निर्देश दिया गया है। इस निर्देश को अच्छे से पढ़िए, उसके बाद आपको अरेंज करना है इन सभी को जो कि अव्यवस्थित रूप में बैठे हैं। इसको आप अरेंज करोगे तब आप आंसर दे पाओगे क्वेश्चन के। तो आइए इसको पढ़ लेते हैं। देखिए क्या दिया गया है, पी डब्ल्यू क्यू एक्स आर वाई जेड एंड एस अव्यवस्थित रूप में वृत्ताकार में एक दूसरे के सामने बैठे हुए हैं। तो वृत्ताकार रूप में एक दूसरे के सामने बैठे यानी कि सभी केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं, यानी कि जो उनका फेस होगा वो टुवर्ड्स दी सेंटर होगा। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ? इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि इसका जो लेफ्ट है और राइट है वो किधर होगा। तो इसका राइट यानी कि दायां भाग जो है वो इधर आएगा और इसके बाएं तरफ जो बैठेगा यानी कि लेफ्ट की तरफ वो इधर बैठेगा। ठीक है, तो राइट इधर होगा लेफ्ट इधर होगा। ये इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई कि एक दूसरे के सामने बैठे हैं। इससे इतना क्लियर हुआ। अब हम लोग आते हैं जो जो बोला है उसके अकॉर्डिंग बैठाते जाते हैं। तो देखिए कैसे करना है। वाई ठीक क्यू और आर के बीच में बैठा है, तो आप एक सर्कल को ड्रॉ कर लो। इसमें आपको वाई को बैठा देना है ठीक क्यू और आर के बीच में। तो आपने इतना काम कर लिया, वाई को ठीक क्यू और आर के बीच में बैठा दिया। सभी का जो फेस है वो टूवर्ड द सेंटर आपको कर देना है। उसके बाद देखिए क्या है, पी ना तो एक्स और ना ही जेड के बगल में बैठा है। तो अभी हमने ना तो एक्स को ड्रॉ किया है यहाँ पे और ना ही वाई को, तो आपको पी के बारे में अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए इस वाले को अभी स्किप करते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। क्यू के दाएं जेड है, क्यू के दाएं में देखिए दिया है तो दायां किधर होगा, इधर होगा। तो क्यू के दाएं में आपको बैठा देना है किसको, तो जेड को बैठा दिया हमने। अब उसके बाद बोला है एक्स से बाएं और वाई के दाएं से तीसरे स्थान पे एस बैठा है। तो एक्स का तो अभी हमें पता नहीं है, तो हम कहाँ से अरेंज करते हैं, वाई के दाएं से तीसरे स्थान पे। अब देखिए वाई के दाएं से तीसरे स्थान पे बोला, यानी कि इस वाले को हमें नहीं काउंट करना है, वाई वाले को हमें कहाँ से काउंट करना है, 1 2 3 यहाँ पे हमको बैठा देना एस को, यानी कि जेड के बगल में कौन आ गया, तो जेड के बगल में आ गया एस। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ? अब देखिए एस से आप लोग निकाल सकते हो एक्स वाले की इन्फॉर्मेशन, यानी कि एक्स कहाँ पे है। तो क्या बोला था, एक्स के बाएं से और वाई के दाएं से तीसरे स्थान पे एक्स है, तो यहाँ से आप तीसरे स्थान पे जाओगे यानी कि 1 2 और 3, तो यहाँ पे आपको बैठा देना है एक्स को। क्लियर हो पा रहा है? अब देखिए एक्स के जो तीसरे बाएं पे है वो एस आ रहा है। इतना क्लियर हो गया आप लोगों को। अब हम लोग लोकेशन पता करते हैं पी की। पी ना तो एक्स और ना ही जेड के बगल में बैठा है, तो पी को आपको एक्स के बगल में नहीं बैठाना है। आपके पास सिर्फ 2 स्पेस अब बची है, तो आपको पी को कहाँ फिल करना होगा, तो आपको पी को यहाँ पे फिल कर देना है। ठीक है, तो पी कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। अब इसके बाद देखिए एक क्या बच रहा है, तो यहाँ पे अब आपका बस बच रहा है डब्ल्यू, तो डब्ल्यू को आप यहाँ पे बैठा दो। ठीक है, तो सारी चीज़ अरेंज हो गई, वाई क्यू जेड एस पी डब्ल्यू एक्स और आर। इतना क्लियर हो गया। अब आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन 4 में बोला है कि एक्स डैश के बीच में बैठा है, एक्स किसके बीच में बैठा है, तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डब्ल्यू और आर के बीच में बैठा है। अभी आपने ड्रॉ किया था, ड्रॉ करने पे आपने एक्स को कहाँ पे बनाया था, तो देखिए एक्स यहाँ पे था, आर यहाँ पे था और डब्ल्यू यहाँ पे था आपका। उसके बाद और सबकी लोकेशन भी आप एक बार देख ही लीजिए, वाई है, क्यू है, फिर यहाँ पे आपने जेड को बैठाला था, यहाँ पे आपने किसको बैठाला था बताइए जल्दी से, उसके बाद जेड के बाद एस था और फिर इसके बाद पी था। तो ये सबको आपने ऐसे अरेंज किया था। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 5 इसी से रिलेटेड है कि एस के बाएं कौन बैठा है। तो अभी आपने जस्ट देखा था कि एस के बाएं बैठा हुआ था जेड, यानी कि आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आइए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे, जो कि इससे डिफरेंट होगा। 2 क्वेश्चन उस डायग्राम से रिलेटेड थे, तो वो आपको मैंने करा दिया। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ने से पहले इसका आपको निर्देश दिया गया है, तो इसमें भी आप लोग निर्देश को पढ़ो, उसके अकॉर्डिंग अरेंज कर लो, फिर क्वेश्चन के आंसर फटाफट हो जाएंगे। तो देखिए 6 कारें हैं, एस टी वी डब्ल्यू एक्स और वाई पार्किंग लॉट में बाएं से दाएं क्रम रहित तरीके से खड़ी हैं। तो क्या बोला गया आपको, बाएं से दाएं खड़ी हैं। ठीक है, अब उसके बाद इसका अरेंजमेंट देखिए, आपको एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, उसके बाद जैसे जैसे बोला उसके अकॉर्डिंग अरेंज करते जाना है। टी एकदम दाएं छोर पे खड़ी है, तो टी को आपको सबसे लास्ट में लगा देना है। ठीक है, टी को हमने सबसे लास्ट में लगा दिया। फिर क्या बोला है, वी वाई के तुरंत दाएं और डब्ल्यू से एक कार दूर खड़ी है, तो इसके बारे में अभी हमको इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आप इसको स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट वाले पे आओ, एक्स जो है वो टी के बाएं और एस से तीसरी कार दूर खड़ी है, तो आप एक्स को क्या करोगे, टी के खटाक से दाएं पे लगा, बाएं पे लगा दोगे। ओके, यहाँ तक समझ में आया? और उसके बाद क्या बोला है कि जो एक्स है वो एस से 3 कार दूर खड़ी है, तो एस से 3 कार दूर खड़ी है यानी कि 1 2 3, बीच में 3 कारें होंगी, 1 2 3। अब उसके बाद आपको यहाँ पे क्या लगा देना है, तो यहाँ पे आपको लगा देना है एस को। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग ऊपर वाले क्वेश्चन पे, वी वाई के तुरंत दाएं और डब्ल्यू से एक कार दूर खड़ी है,
यहाँ पे आपको तीन पोजीशन बस बची है, इसी तीन को आपको फिक्स करना है, आपका आंसर हो जाएगा। तो वी को आप यहाँ पे लगा लो, वाई के तुरंत दाएं है तो दाएं पे यहीं पे आएगा, और उसके बाद डब्ल्यू से एक कार दूर खड़ी है तो आपको डब्ल्यू को यहाँ पे अरेंज कर देना है। तो देखिए वी वाई के तुरंत दाएं और डब्ल्यू से एक कार दूर खड़ी है, इस तरह से आपका अरेंज हो गया। तो आपका जो ये अरेंजमेंट आया ये एकदम कन्फर्म हो गया, ठीक है। इसको ट्राई करके देख लेना, सारे जो है वो फिक्स बैठने चाहिए। अगर सारे फिक्स बैठ रहे हैं तो आपका ये अरेंजमेंट जो है वो क्लियर हो जाता है, यानी कि कंफर्म हो जाता है। अब आप क्वेश्चन के आंसर दे सकते हो। तो आइए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देख लीजिए आप लोग इसका अरेंजमेंट एक बार, एस डब्ल्यू वाई वी एक्स और टी है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पूछा जा रहा है कि डब्ल्यू किस कार के तुरंत दाएं खड़ी है। तो आपने देखा था कि सबसे इधर बाएं पे थी एस, उसके बाद क्या थी, तो उसके बाद डब्ल्यू थी। तो डब्ल्यू किस कार के तुरंत दाएं खड़ी है, तो ये है एस की, यानी कि आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए एक्स के तुरंत बाएं कौन सी कार खड़ी है। तो एक्स के तुरंत बाएं कौन सी कार खड़ी है, देखिए यहाँ पे टी था, यहाँ पे एक्स था, फिर यहाँ पे वी था, उसके बाद वाई था, फिर उसके बाद यहाँ पे डब्ल्यू था, फिर उसके बाद एक्स था। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है कि एक्स के तुरंत बाएं, बाएं यानी कि ये, तो कौन सी कार खड़ी है, वी खड़ी है, यानी कि आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन समझ में आ गए। आपको पहले निर्देश से ड्रॉ कर लेना होता है, जो भी है अरेंजमेंट आप फिक्स कर लो, उसके बाद क्वेश्चन के आंसर फटाफट हो जाते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पे। नंबर 8 देखिए आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना है, यदि गिफ्ट का कोड HHGS है तो वाटर का कोड क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आया, तो आपको ऐसे अरेंज करना है, GIFT गिफ्ट लिख लेना है, उसके बाद लिख लेना है HHGS। इतना क्लियर हुआ। अब देखिए जी के बाद क्या आ रहा है, एच आ रहा है इसमें, तो जी के बाद एच आता है, आप लोगों को पता है, यानी कि यहाँ पे हो रहा है +1। उसके बाद देखिए आई के बाद क्या आ रहा है, तो आई के बाद भी एच आ रहा है, तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, तो एक कम किया जा रहा है, यानी कि -1 कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट वाले में +1 किया और सेकेंड वाले में -1 कर दिया गया है। उसके बाद देखिए एफ के बाद क्या आ रहा है, तो एफ के बाद आपका आ रहा है जी, जो कि क्या है, एक प्लस किया जा रहा है, तो एक प्लस, एक माइनस, फिर एक प्लस। उसके बाद टी के बाद आ रहा है एस, जो कि क्या कर दिया गया है, तो फिर से एक माइनस कर दिया है। तो आप लोगों को सीरीज पकड़ में आई, एक प्लस करना है, एक माइनस करना है, एक प्लस करना है, एक माइनस करना है, इस तरह से। स्टार्टिंग कैसे करनी है, तो स्टार्टिंग प्लस करके करनी है, ठीक है। तो प्लस माइनस प्लस, इस तरह से करना है। आइए अब हम लोग चलते हैं वाटर वाले पे। तो देखिए वाटर आपको यहाँ पे लिख लेना है, इस तरह से वाटर आपने लिख लिया। अब उसके बाद क्या करना है, इस वाले में एक प्लस करना है, तो इसमें आप एक प्लस करोगे तो आपका डब्ल्यू के बाद क्या आता है बताइए जल्दी से, डब्ल्यू के बाद आता है एक्स, ठीक है। अब ए से आपको एक माइनस करना है। अब आप लोग कहोगे ए से माइनस कर देंगे तो बचेगा ही नहीं, क्योंकि अल्फ़ाबेट तो ए से ही स्टार्ट होता है, तो आपको पीछे जाना है जेड पे, ठीक है। ए से एक माइनस करेंगे तो आप पहुंच जाओगे जेड पे, तो आपका ये हो जाएगा। उसके बाद टी में क्या करना है, फिर एक आपको प्लस कर देना है, तो एक प्लस, एक माइनस, फिर एक प्लस, यानी कि टी के बाद क्या आ जाएगा, तो टी के बाद आपका आ जाएगा यू। फिर ए में आपको एक माइनस करना है, तो ई में एक माइनस करोगे कहाँ पर पहुँच जाओगे, डी पे पहुँच जाओगे। और फिर आर में आपको एक प्लस कर देना है, आर में एक प्लस करोगे तो आप आ जाओगे एस पे, ठीक है। तो आपका कोड क्या हो गया वाटर का, XZUDS। कोई ऑप्शन है तो आपका ऑप्शन करेक्ट हो, ऑप्शन नंबर ए। ओके, XZUDS, ये आपका वाटर का कोड हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या दिया गया है, किसी कोड में रोजेज आर रेड को 506 लिखा गया, वॉयलेट्स आर ब्लू को 195 लिखा गया, ब्लू एंड रेड एंड फ्यू को 3104.05 लिखा गया, तो कौन सा अंक फ्यू को दर्शाता है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन में आप डायरेक्ट नहीं कह सकते हो कि रोजेज है, तो रोजेज का जो कोड है वो 5 हो गया, आर का 0 हो गया, रेड का 6 हो गया, इस तरह से आप लोग नहीं मान सकते हो, ठीक है। आपको कैसे पकड़ना है, देखिए इसकी ट्रिक समझिए, कि यहाँ पे आपको दिया है रोजेज और रेड का कोड 506, तो आपको ये नहीं मानना है कि रोजेज का 5 होगा, आर का 0 होगा और रेड का 6 होगा, आपको सीरियल में नहीं दिया है। अब आपको करना कैसे है ये आप समझ लीजिए। देखिए तो रोजेज आर रेड यहाँ पे आपने देखा, और यहाँ पे देखा वॉयलेट्स आर ब्लू, इन दोनों में देखिए कौन सा टर्म है जो दोनों में कॉमन है, तो आप पाओगे कि दोनों में आर जो है वो कॉमन है। और अब दोनों में देख लीजिए नंबर कौन सा कॉमन है, तो दोनों में नंबर जो है वो 5 कॉमन है, ठीक है। तो दोनों में हमने देख लिया पहले आर कॉमन था, और इसके बाद दोनों में नंबर जो कॉमन है वो है 5। तो इस तरह से आप पता लगा लोगे कि आर का जो कोड है वो कितना है, तो आर का कोड हो जाएगा 5। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पे। तो रोजेज आर रेड यहाँ पे है, और यहाँ पे देखिए ब्लू एंड रेड एंड फ्यू है, तो इस वाले में आपको रेड मिल रहा है और यहाँ पे भी आपको रेड मिल रहा है। अब रेड में आप इन दोनों कोड में देखिए, फर्स्ट वाले में और लास्ट वाले में, ठीक है, यानी कि 506 और 31405 में कौन से दो नंबर हैं जो कॉमन हैं, तो आपको मिलेगा 5 भी इसमें है, 0 भी इसमें है, और इसमें भी 0 और 5 जो है दोनों कॉमन है।
तो आपने आर का कोड तो 5 निकाल लिया, तो उससे हमें मतलब ही नहीं है। अब हमें रेड का चाहिए, तो रेड का क्या हो गया, रेड का आपको पता चल गया, रेड का 0 कोड आ रहा है। इतना क्लियर हुआ। अब आप सोचो कि आपको निकालना है फ्यू का और इतना कुछ क्यों देखा जा रहा है। तो जब आप इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे ना, तो आपको फ्यू का ही नहीं, आपको किसी का भी कोड पूछेगा, आप लोग तुरंत उसका आंसर दे लोगे। थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है, आप लोग जब एक बार निकाल लोगे तो किसी भी क्वेश्चन को पूछेगा आपको आंसर दे लोगे, ठीक है। तो आप यहाँ से सारे के कोड बता पाओगे, ऐसा मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो देखिए ये क्लियर हो गया। अब यहाँ से आपको पता चल गया रोजेज़ का कोड क्या बचा, तो रोजेज़ का जो कोड है वो आ गया 6। तो रोज़ का कोड क्या हो गया, तो रोज़ का कोड आ गया 6। यहाँ से सारी चीज़ पता हो गई। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट वाले पे। यहाँ पे आपको वायलेट का पता करना है और ब्लू का पता करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ब्लू है, क्लियर हुआ, यहाँ पे क्या है, ब्लू है। अब इन दोनों नंबर में आप कॉमन देखो क्या है, 195 है, यहाँ पे 31405 है। तो बस आपको तुरंत पता चल गया ब्लू का कोड क्या है, तो जो ब्लू का कोड है वो है 1। ओके, ब्लू का कोड क्या है, तो ब्लू का कोड है 1। अब वॉलेट का क्या हो गया, तो वॉलेट का अपने आप पता चल गया, वॉलेट का क्या आ रहा है, तो वॉलेट का आ गया 9। यहाँ तक सारा चीज़ क्लियर हो गया। अब देखिए ब्लू एंड रेड एंड फ्यू ये पूछा गया, इसका कोड क्या होगा। तो अब आपको तुरंत यहाँ से पता चल रहा है कि फ्यू का कोड क्या है, यानी कि आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। मालूम नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं मालूम किया जा सकता, क्योंकि फ्यू के बारे में कहीं पे आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। देखिए आपको यहाँ पे इतने ढेर सारे नंबर दिए हैं, और एंड के बारे में भी नहीं पता। अगर हमको एंड के बारे में कोड पता होता तो आप लोग फ्यू का निकाल सकते थे। आप लोगों को एंड का भी नहीं पता, तो एंड का भी 3 हो सकता है, ठीक है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, ये दोनों फ्यू के कोड हो सकते हैं। तो 3 और 4 में अगर आपको ऑप्शन मिलता है कि या तो 3 या तो 4, तो आप उसको लगा दोगे, आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। पर यहाँ पे 3 और 4 दोनों ऑप्शन में दिए हैं, इसलिए आप करोगे कि मालूम नहीं किया जा सकता, ठीक है। आपका ऑप्शन डी क्या होगा, मालूम नहीं किया जा सकता। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब आपसे पूछा होता किसी भी क्वेश्चन का कोड, जैसे कि ब्लू का पूछा होता, वॉयलेट का पूछा होता, आर का, रेड का, रोज का, आप लोग सबके आंसर दे पाओगे, ठीक है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया गया, एक कथन दिया है, उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ करके अरेंज करना है निष्कर्ष क्या सही होगा। तो क्या बोला है कथन में, देखिए कुछ पेड़ इमारतें हैं, तो आपको कुछ वाला कैसे अरेंज करना होता है वेन डायग्राम के थ्रू, इस तरह से। कुछ पेड़ जो है वो क्या है, तो कुछ पेड़ इमारतें हैं। उसके बाद क्या दिया है, सभी इमारतें तोते हैं, तो सभी इमारतें जो है वो क्या आ रही है, तो सभी इमारतें तोते में आ रही हैं, ठीक है। अब आप लोग चाहिए निष्कर्ष पे, निष्कर्ष में क्या दिया गया है इसको देख लेते हैं हम लोग। तो निष्कर्ष में बोला है कि सभी तोते पेड़ हैं, सभी तोते पेड़ तो नहीं है आपका, ये नहीं करेक्ट है। सभी तोते इमारतें हैं, ये भी आपका गलत है, क्योंकि इमारत जो है वो तोते के अंदर है, ना कि तोता इमारत के अंदर है, ठीक है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। उसके बाद क्या बोला है कि कुछ तोते जो है वो इमारतें हैं, तो बिल्कुल सही बात है। जब पूरा का पूरा इमारत जो है वो तोते के अंदर आ रहा है, तो कुछ तोते तो ऐसे होंगे जो इमारत में होंगे ना, तो ये आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पे। ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है जैसा क्वेश्चन नंबर 10 था, इसमें कथन दिए गए हैं, उसके बाद आपको कथन के अकॉर्डिंग ड्रॉ कर लेना है, फिर आपको निष्कर्ष में बताना है कि कौन सा निष्कर्ष सही है। तो देखिए इसमें क्या बोला है, सभी खिलौने किताबें हैं, तो सभी जो खिलौने हैं, ठीक है, सभी खिलौने क्या हैं, तो ये किताबें हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब उसके बाद आपको बोला क्या है कि सभी किताबें ट्रेन हैं, तो ये जो सभी किताबें हैं ये क्या हो गई, तो ये हो गई ट्रेन। यहाँ तक आप लोगों ने बना लिया। अब आप निष्कर्ष पे आ जाओ, आपका ये डायग्राम कंफर्म हो गया, ये आपने बना लिया। सभी वाला जब होगा ना, तो आपको एक के अंदर एक फिल करते चले जाना है। अब देखिए क्या बोला है कि सभी ट्रेनें किताबें हैं, क्या सभी ट्रेनें किताबें हो सकती हैं, नहीं, कुछ किताबें ट्रेन हो सकती हैं पर सभी किताबें ट्रेन नहीं हो सकती, तो आपका आंसर ये गलत हो जाएगा। सभी किताबें खिलौने हैं, सभी जो किताबें हैं वो खिलौने हैं, ये भी आपका आंसर नहीं करेक्ट होगा, ठीक है, क्योंकि उल्टा जा रहे हैं ना, वो उसके अंदर फिल है, तो सभी किताबें खिलौने कैसी हो सकती हैं, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। कुछ ट्रेन खिलौने हैं, तो यही आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जिसके अंदर ये पूरा पूरा आ रहा है, जब खिलौने ट्रेन के अंदर जब पूरा पूरा खिलौने आ रहा है, तो कुछ ट्रेन तो खिलौने हो ही सकती हैं, इसलिए आपका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। उम्मीद है कि आपको इस तरह के क्वेश्चन अब अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। डेली ही जब आपको रिविज़न मिलेगा, डेली ही आपकी इसी तरह की प्रैक्टिस सेट आएंगी, तो आपके क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छे से फिक्स्ड हो जाएंगे कि आपको कैसे करना है, किस तरह करना है। इसलिए डेली प्रैक्टिस सेट को आप लोग देखिएगा, आपके काफ़ी क्वेश्चन क्लियर होंगे, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए क्या है, डी का भाई ए है, श्रीमती सी का बेटा डी है, और श्रीमती सी के पिता बी हैं, तो ए का बी से क्या रिश्ता होगा। इस तरह के क्वेश्चन में देखिए आप लोग सिबलिंग्स को एक साथ लगाइए, और उसके बाद माँ है पिता है, तो उसको आप लोग एक एक लाइन ऊपर रखते जाओ। देखिए कैसे करना है, तो डी का जो भाई है वो है ए, डी का भाई कौन है, तो डी का भाई जो है वो ए है, यानी कि ए क्या है, तो ए मेल है, ये आपको यहाँ से पता चल गया है।
अब इसके बाद बोला है कि श्रीमती सी का बेटा डी है, तो सी ऊपर होगा और ये फीमेल है, तो इनको आप लोग सर्कल से रिप्रेजेंट कर लो। और इसका बेटा जो है वो डी है, यानी कि डी भी क्या है, तो मेल है। ठीक है, श्रीमती सी का बेटा कौन है, डी है, और डी और सी ए जो है वो भाई भाई हैं, यानी कि ये भी इसका बेटा ही है। यहाँ तक क्लियर हो पा रहा है? अब उसके बाद बोला है कि श्रीमती सी के पिता जो है वो बी हैं, तो आपको ऊपर रख लेना है बी को, और बी क्या है, मेल है, यानी कि सी के ये क्या है, पिता हैं। ठीक है, सी के ये क्या है, पिता हैं। बस आप लोग रिलेशन निकाल लिए हो। अब ए का बी से क्या रिश्ता है, तो ए का बी से आपको रिश्ता पूछा है, यानी कि जब ये इसका बेटा है और ये इसके पिता हैं, तो इन दोनों का रिलेशन कैसा हो जाएगा, तो पोते का रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, किसका रिलेशन है, ए का बी से क्या रिश्ता है, ये पूछ रहा है। तो ए का बी से जो रिश्ता है वो है पोते का रिलेशन, यानी कि आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 पे को दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या भरा जाएगा। तो प्रश्न चिन्ह देखिए आपको यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे क्या भरा जाएगा ये आपको पता लगाना है। तो पहले इस वाले से और इस वाले से हम लोगों को देख लेना है कि जो बीच वाला नंबर है ना वो कैसे आया है, यानी कि ये नंबर और ये नंबर कैसे आ रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसको भी फिल कर लेंगे। ठीक है, आइए इसका देखते हैं कि कैसे आ रहा है। तो देखिए आपको क्या करना है, 915 यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है 364। ठीक है, बस आप लोग देखो क्या करना है, 915 को एक संख्या बना लो, यानी कि 915, और नीचे क्या लिखा है, 364, तो इसको भी एक संख्या बना लो, यानी कि 364, और इन दोनों को माइनस कर दो, तो आपका आ जाएगा 551, और वही नंबर बीच में भरा जा रहा है। यही चीज़ आप सेकंड में ट्राई करके देखो, अगर अप्लाई हो रहा है तो थर्ड में भी हम वही कर देंगे। तो देखिए सेकंड में क्या अप्लाई हो रहा है, 543 नंबर दिया है, यानी कि 543 हो गया, और उसके बाद उसमें से हमें माइनस कर देना है 789। ठीक है, अब देखिए बड़ा नंबर जो है वो नीचे हो गया, तो आपको ऐसा बड़ा छोटा नंबर नहीं देखना है, आपको बस डिफरेंस देखना है। तो इसमें क्या है, 789 है, आपको बस इन दोनों में डिफरेंस देखना है। आप चाहो तो इसमें से भी इसको माइनस कर सकते हो, इसको प्लस कर लो। ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस कितने का आ गया, इन दोनों में डिफरेंस आ रहा है 246 का, यानी कि बीच में जो भरा जा रहा है वो है 246। तो आप लोगों को ट्रिक समझ में आ गई कि ऊपर के सारे नंबर को ऐड करके एक संख्या बना लेनी है, और नीचे को सारे नंबर को ऐड करके एक संख्या बना लेनी है, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस देख लेना है, वही बीच का नंबर होगा। तो थर्ड वाले में देखिए क्या है, 863 है, यानी कि 863, और नीचे क्या है, 241 है, तो इसमें से इसको माइनस करिए 241 को, आपका आंसर कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 622, और यही आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, यानी कि 622। क्लियर हुआ? तो इस तरह के क्वेश्चन को करने में आप लोग ट्रिक पकड़ा करो, जो भी बीच का नंबर भरा जा रहा है तो बीच का नंबर जो है इन सारे नंबर का यूज़ करके ही आएगा, तो कैसे यूज़ करना है ये आप लोग दोनों नंबर में देख लेना, और जो भी ट्रिक अप्लाई हो रही है वही थर्ड में अप्लाई करना है। ये नहीं कि इस वाले में ट्रिक अप्लाई हो गई इसमें नहीं हुई, या फिर इस वाले में हो गई इसमें नहीं हुई तो आप थर्ड में अप्लाई कर दो, ऐसा नहीं है। जो ट्रिक दोनों में लगेगी वही आपको थर्ड में अप्लाई करना होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए आपको क्या दिया गया है, यदि गुणे का अर्थ माइनस है यानी कि घटाना है, और घटाने का अर्थ गुणा है, प्लस का अर्थ भाग है, और भाग का अर्थ प्लस है यानी कि समेशन है, तो इसका मान क्या होगा। ठीक है, यानी कि जहाँ जहाँ पे ये लगा है वहाँ पर आपको चेंज करना है। माइनस का क्या है, गुणा है, तो इसको आप लोग गुणे दो कर लो। फिर भाग का क्या है, प्लस है, तो यहाँ पे आप लोग 900 प्लस में कर लो, और यहाँ पे क्या है, तो प्लस की जगह पे 90, यहाँ पे आप लोग इसको चेंज करो, और फिर गुणे की जगह पे क्या लगा दो, तो गुणे की जगह पे माइनस लगा दो। क्लियर हो पा रहा है? इसको हम लोगों ने चेंज कर लिया। अब आप बॉड मास के अकॉर्डिंग रूल लगाते जो और आपका आंसर आ जाएगा। तो बॉड मास क्या कहता है, सबसे पहले हमें भाग देना होता है, तो 90 में से आप 900 को भाग दोगे तो आपका आएगा 10। ठीक है, और फिर उसके बाद 15 गुणे 2, और प्लस कितना आ गया, तो प्लस आ गया 10, माइनस कितना आ गया, तो माइनस आ गया 100। अब बॉड मास के अकॉर्डिंग आएंगे तो आपको सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करना है। देखिए बॉड मास रूल क्या कहता है कि सबसे पहले अगर आपको डिवीज़न दिख रहा है सीरीज़ में तो आपको डिवीज़न कर लेना है। डिवीज़न हो गया उसके बाद फिर आपको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर हमने डिवीज़न कर लिया, अब आपको करना है मल्टीप्लाई, यानी कि 15 दूनी कितना हो गया, 30 हो गया, तो ये हो गया, और माइनस हो गया 100। अब आपको क्या करना है, तो अब आपको जोड़ लेना है किसमें, 30 और 10 को, यानी कि आप एडिशन करना है। तो 30 और 10 को जोड़ोगे कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 40, और 40 में से आपको 100 को घटा देना है, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा -60। क्लियर हो पाया? तो आपका आंसर क्या करेक्ट हो गया, आंसर करेक्ट हो गया -60, यानी कि आपका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। तो आपको जो सिलेबस में बॉड मास दिया गया है, आपसे ऐसे नहीं पूछेगा कि आप मल्टीप्लाई करो, आपको मेनली इसी तरह की क्वेश्चन रेलवे में देखने को मिल सकते हैं, तो इसके लिए आपको बॉड मास आना ज़रूरी है। ठीक है, तो बॉड मास क्या होता है, BODMAS, यानी कि सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन करो, फिर उसके बाद उसमें डिवाइड करो, फिर मल्टीप्लाई करो, फिर ऐड करो, फिर सब्ट्रैक्ट करो। ओके,
आइए चलते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करिएगा और कमेंट करके अपना रिस्पॉन्स भी बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात करिए, यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे जो होगा उसको हमें फाइंड आउट करना है, और आपको इसके लिए चार ऑप्शन भी दिया गया है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले कि क्वेश्चन मार्क वाली सीरीज में यानी कि इस वाले कॉलम में हमें देख लेना है कि जो ऊपर के 44 है और 55 है, ये दोनों नंबर कैसे आए हैं। तो ये दोनों नंबर जब समझ में आएंगे कैसे आए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन मार्क भी भर लेंगे। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इस वाले सीरीज़ के अकॉर्डिंग हमें समझ में आ गया तो इन दोनों नंबर से हमें देख लेना है कि ये 44 कैसे आ रहा है। तो 42 और 38 का हमें डिफरेंस ले लेना है। 42 और 38 का डिफरेंस क्या आएगा, तो ये आएगा 4। ठीक है, और इसमें हमें मल्टीप्लाई कर देना है 11 से, तो आपका आ जाएगा बीच वाला नंबर यानी कि 44। यही चीज़ अगर सेकेंड में अप्लाई होगी तो हम थर्ड में अप्लाई कर लेंगे। तो आपको थर्ड के लिए क्या करना है, देखिए सेकेंड में क्या करना है, 23 और 28 का डिफरेंस लेना है। तो 23 और 28 का डिफरेंस आप लोग देख रहे होगी 5 आएगा। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, तो 5 ही का तो डिफरेंस है, और इसमें मल्टीप्लाई करना है 11 से, तो क्या आ रहा है, 55 आ रहा है। यानी कि ये चीज़ जो है वो दोनों में अप्लीकेबल हो पा रही है। बस आपको थर्ड में भी वही लगा देना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये है 37, ये है 39, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस है 2 का, और इसमें हमें मल्टीप्लाई कर देना है 11 से, तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा 22। यानी कि बीच में कौन सा नंबर भरा जाएगा, तो बीच में नंबर भरा जाएगा 22, यानी कि आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को करने की ट्रिक समझ में आई। क्वेश्चन मार्क वाली सीरीज़ में हमें जाना है, इसमें फिर हमें देख लेना है कि जो बीच का नंबर है वो इन दोनों की सहायता से कैसे आ रहा है, बस उसी के अकॉर्डिंग हमें थर्ड वाले में भी अप्लाई करना है और आंसर आ जाएगा। तो होप सो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना सपोर्ट शो करिए। थैंक यू सो मच।